अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाज भी होंगे। आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ, एक बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तान की जानिब से। जब पाकिस्तान के बैटर्स को इस बात का इल्म था कि आज की जो पिच है वो बैटिंग पिच है, तो पाकिस्तानी टीम ने बॉलिंग का फैसला क्यों किया, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। एक बहुत ही बड़ा टारगेट आज पाकिस्तान को सेट करके दिया है न्यूजीलैंड के बैटर्स ने, 402 रन का हदफ। इट्स अ मैसिव और ये पाकिस्तान के बैटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा सवाल है पाकिस्तान के कैप्टन से, जब आपको इस चीज़ का इल्म था कि हमारे पास अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, आज की पिच बैटिंग पिच है, तो आपने ये फैसला क्यों किया कि आपने बॉलिंग करनी है, आपने फील्डिंग करनी है, आपने अपने बैटर्स को ओपनिंग नहीं करवानी, व्हाट इज दिस? और आज का मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। वैसे ही पाकिस्तान तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और जो अगर मगर का खेल और जो अगर मगर का सिलसिला जारी है, तो क्या ये अगर मगर का सिलसिला, अगर मगर का खेल पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान का लक क्या पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा? यार वो टीम्स जिनका हम कभी सोचते भी नहीं थे कि वो टीम्स आगे बढ़ सकती हैं, लाइक अफगानिस्तान। लोग कह रहे हैं कि इतने चांसेस हैं अफगानिस्तान के पास कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वेल जनाब, तो देखना ये होगा कि क्या अफगानिस्तान अपने बकाया दो मैचेस खेलने के बाद क्या सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। जी हसन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं पहले आपको ये कहूँगा, आप अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते, इतनी अच्छी स्पीच देते हैं। पार्टी क्यों नहीं बनाता? यार मुझे पॉलिटिक्स का शौक नहीं है बिल्कुल भी। इतनी खतरनाक, इतना खतरनाक आपने इंट्रोडक्शन दिया, आते ही डायरेक्ट आपने अटैक कर दिया हमारी टीम पे। आज लगता है फिर जर्सी का कलर ना ब्लू है। हसन भाई देखें, बात दरअसल ये है, मैं आपको डेवन से बात कहता हूँ, इख्तलाफ है, सॉरी बात काट दी, अंदर ब्लैक पहना मैं आज। कीवीज। अच्छा नहीं, दरअसल मैं आपको बताऊं, हसन भाई देखें, अगर आप अच्छा खेलेंगे जी तो हर बंदा उसकी तारीफ करेगा, जब आप खराब खेलेंगे तो लोग आप पे तनकीद भी करेंगे, और ये आपका राइट है। नहीं, ये क्वेश्चन मार्क वाकई था कि बाबर आजम आते ही एक तो चार फास्ट बॉलर्स, क्योंकि हर किसी को अभी तक समझ आ चुकी है, पहले एक दो मैचेस से समझ आ चुकी थी कि इंडिया के जितने विकेट्स हैं स्पिन विकेट्स हैं, बिल्कुल, तो चार फास्ट बॉलर्स के साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक था वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है इब्रार को अगर नहीं चांस दिया तो उसामा अमीर को स्टिल होना चाहिए था, होना चाहिए था। और अभी हमने फर्स्ट इनिंग्स के दौरान देखा है कि शादाब भी ऑलमोस्ट सही लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक स्पिनर होना चाहिए। उसामा मीर को मुझे लगता होना चाहिए था। इतनी क्विक चेंजेस पता है करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज पे आप आ गए हो, आप शुरू में अच्छा नहीं खेले हो, जो कि ऑब्वियसली हम लोग मैचेस हारे हैं, हम अच्छा नहीं खेले थे, हमारे कुछ डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत थे, जो कि सब नहीं बात की ऑब्वियसली इस बारे में, हम तो क्या बात करें, बट ये है कि आज जो है वो टीम वही होनी चाहिए थी जो आपके एक विनिंग कॉम्बो बना हुआ है। आप चार फास्ट बॉलर लेके खेल रहे हो, आपको लगता है कि शायद शामी का बॉल घूम रहा है, बुमराह का बॉल घूम रहा है, आप देखो ना शाहीन 10 ओवर में 90 रन उसने और एक भी विकेट नहीं और कोई मेडल नहीं है। लेट्स वेलकम दुआ ज़ारा। ओके, वेलकम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप सच सच पहले एक बात बताएं, आज आप जल्दी पाकिस्तान के लिए उठी हैं या शो के लिए? एक्चुअली मैं पाकिस्तान के लिए जल्दी उठी हूँ, वरना मेरा कोई। तो क्या कहना चाहेंगी फर्स्ट इनिंग्स के बारे में? फर्स्ट इनिंग में यार काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो चुका है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज बहुत क्रूशल मैच है फॉर पाकिस्तान टू विन, लाइक इधर न्यूजीलैंड के लिए भी उतना ही क्रूशल है, अगर जो भी जीतता है वो सेमीज के लिए क्वालिफाई करेगा। सो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, और मैं तो भाई यही कहूँगी पाकिस्तान ही जीतेगा बाकी, लेकिन मुझे लग रहा है ये आज न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही है, ये और फराज दोनों। फराज आप मेरे कपड़े देख के बोल रहे हैं, हम कपड़े, ये कपड़े देख के जज कर रहे हैं आपको, लास्ट टाइम ब्लू पहन के। यस 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 दुआ, लाइक हम सॉरी आप नहीं, नहीं आप, मैं बस ये कहने लगा, आप दोनों चुप रहे, मैं कहती हूँ। देखिए लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो पाकिस्तान जीत गया था, आज भी मैं आई हूँ, होपफुली पाकिस्तान जीत जाएगा। जो लगता है अगर ये 35 ओवर्स में करने जाएंगे तो विकेट्स अपनी गवा, हाँ विकेट अपनी गवा देंगे। मेन मेन ये चीज है कि अभी वो लोग मैच जीते, आगे रन रेट के लिए एक और मैच पड़ा हुआ, और इस टाइम मुझे लगता है अगर पाकिस्तान को ये टारगेट अचीव करना है
इवन 50 ओवर से पहले तो फखर को एटलीस्ट 35 ओवर तक खड़ा रहना पड़ेगा। फखर और वाहिद एक फखर है जो हमें लगता है कि वो यू क्विक इनिंग कोई नहीं, बाबर भी, बाबर भी है। लेट्स वेलकम लारे। वालेकुम ब्रो, कैसे हैं? आज आधा उठना पड़ेगा भाई, वरना सर कट जाएगा। और आरब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ऐसा ही हूँ। मैं जल्दी उठा। अभी हम देख रहे थे कि आप वार्म अप कर रहे थे प्रॉपर। हाँ, वो मैंने बोला थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था कि आप जा रहे हैं स्टेडियम। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरा काम ही नहीं स्टेडियम वाला, मैं तो गली पार चौका। थोड़ा लारे जरा बात करें जी। लारे यार, मैं ये सुन रहा था कि पैनल में कोई बोल रहा था कि फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, ऐसा 2000 बोल रही थी। नहीं नहीं, वो मैं बात सारी ये है कि बहुत सारे रनआउट्स के मौके छूटे। मैं खुद मैच को खुद देखा नहीं मैंने इतना ज़्यादा, पर मैं, मेरी छोटी बहन है वो फर्स्ट बॉल टू एंड बॉल पूरा मैच देखती, तो मुझे लाइव कमेंट्री भेजी जा रही थी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरा ये कि 400 रन बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, और मगर ये कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम इंशाल्लाह चेज़ नहीं कर सकते, मगर मसला ये कि हम इसको 30 से 35 ओवर में चेज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ ग्राउंड रियलिटी है उसको हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी चीज़ ये कि हाँ, इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये 402 चेज़ हो सकता है, क्योंकि पहली पाकिस्तानी टीम है जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है हाईएस्ट चेज़ का इन द वर्ल्ड कप। तो हम इसको, न्यूजीलैंड भी तोड़ने लगा था ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल, अब इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बट सैडली हम बाहर हैं तकरीबन, बिल्कुल अब पैर आ गया एयरपोर्ट पर हमारा। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान आ गए भाई, माशाल्लाह चीते। अभी तो कोई धूप, जिस तरह नाप रहे ना ग्राउंड, जिस तरह नाप रहे ग्राउंड यहाँ वहाँ देख के। अच्छा, मैंने, मुझे ये ग्राउंड की क्या है बाउंड्रीज, कितनी बड़ी छोटी है? मेरा ख्याल छोटी है इसकी भी, इंडिया की सारी ग्राउंड 62-63 है। नहीं, पिछले मैच का 70-20 ग्राउंड है इनके, बेसिकली 63 ओडीआई तो होता नहीं है वहाँ पे। मतलब वर्ल्ड कप ऑब्वियसली सबके लिए है, बहुत अजीज है, यही सब कुछ होता है, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं ना इंडिया भी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान सेमीज खेले। आपने आते दुआ को चुप करवा दिया। मैं तो बात ही नहीं करी दुआ, आप क्यों नहीं कुछ बोल रही? पाकिस्तान जीत रहा है, हार रहा है, कुछ तो बताया आप। सी, एक किसी हद तक जो बात लारेब ने की है कि जो ग्राउंडेड रियलिटी है, जो वो तो यही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेज, सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, सही है। बट एज अ फैन आई रियली लव माई टीम, मैं चाहती हूँ कि भाई चेज हो जाए, तो मैं यही बोलूँगी, बिकॉज आप जो बोलते हो वैसा हो जाता है, तो यू नो कंसिस्टेंट नहीं है ना हमारी टीम चेजिंग में, सो दैट्स व्हाई हम लोग वेल। अरे भागर खेल रहा भाई, गुड शॉट यार, छक्का नहीं होगा मगर। नहीं, उत्ते ही ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कैच हो गया। हो गया काम, कैच हो गया, कैच विन द मैच, और टुंटे कैप्टन ने पकड़ा है, और आप बताओ कि हमारे में कितने रन आउट छूटे हैं? हमारे तो बड़ा मसला है ना यार। असन देखिए, मैं आपसे वही बात कहना चाहूंगा कि अब आप बोल रहे हो ग्राउंड छोटा है ना, सर्कल पार नहीं हुआ। अच्छा, ऊपर मार। अच्छा, लारेब ने छोटी बड़ी की बात की थी कि आज छोटी है या बड़ी है। देखें लारेब, छोटी बड़ी तो उनको मिल चुकी है यार, एक दफा कैच तो देख लो यार, बहुत मुश्किल कैच, कितना मुश्किल कैच था यार। यार मैं तालियां बजाऊंगा इस फील्डर के लिए यार, बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा यार। अब्दुल जब बहुत अच्छा खेलता, जब सेंचुरी की हमने तारीफ की, अभी आप देखेंगे, अभी सारी चीजें भूल जाए, 401 बनाना है टोटल, ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो प्रेशर हमें शुरू से पता है कि पाकिस्तानी टीम पे जो प्रेशर नीचे तक जाता रहता है। अभी रिजवान आएगा प्रेशर में खेलेगा, बाबर आएगा प्रेशर में खेलेगा, साउथ शकील आएगा प्रेशर में खेलेगा, ये बात तो आप सब मानते हैं ना कि फॉरन प्रेशर आते हैं। अर्ली विकेट्स हुई सबसे ज्यादा दुनिया में, जितनी भी टीम है सबसे ज्यादा प्रेशर हम लेते हैं। गुड शॉट यार, गुड शॉट, छक्का हो जाए बस किसी तरीके से। बहुत आला, बहुत आला। 30 बॉलों पे 30 रन, क्या गुड शॉट यार, वेरी गुड शॉट। अली भाई बाबर ने मारा, बिग वन फखर ने मारा, एक दो बार शॉट यार फखर भाई। अच्छा शरोज भाई, अब आप देखें, अगर अभी शुरू के 10 ओवर में 10 रन पर ओवर हमारा होता है, हाँ। तो वो कंपेटिटिव होगा टोटल के 400 से, अगर आगे बारिश हो जाए, अगर टोटल के 400 से, तो फिर रन कम हो जाएंगे। चेरोज भाई, मेरी मेरी जो है ना ख्वाहिश ये है कि रन रेट वगैरह आप गया दूसरे सिनेरियो में, ये बिल्कुल ये नहीं बता रहा हूँ। अच्छा। ये गया अभी, बस जो चीज गई तो गई। अगर पाकिस्तान पाकिस्तान 400 चेस करे, रिकॉर्ड बना, एक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड हो जाएगा कि पाकिस्तान ने जो है ना एक और मैसिव टोटल चेस कर लिया। अरे भाई साहब,
कितने मीटर, ये क्या हुआ, कुछ चीजें झड़ रही है, बारिश हो रही है, वाओ जबरदस्त, बड़ा बर्फबारी हो रही है, गुड गुड गुड, सेट पे बर्फबारी हो रही है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, एक मिनट बता दो, एक मिनट शरद भाई, ये होगा 79 मीटर का छक्का या 82। अच्छा मजे की एक बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, नेदरलैंड के खिलाफ 82, ओए दो से रह गया मैं 84, नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ऐसी बॉल पे आउट हुआ था, ऐसी शॉट पे आउट हुआ था और आज उसने उसी पे छक्का मारा है। एक बड़ी पार्टी बहुत जरूरी है और ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन खेल रहा है, फखर बहुत तेज खेलता है और बाबर बहुत जम के खेलता है, टाइमली टाइमिंग है, टाइमिंग, हाँ फखर एरियल शॉट्स खेलता है, बाबर ग्राउंडेड शॉट खेलता है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अल्लाह करे ये पार्टनरशिप जो है ना मैक्सिमम नंबर्स तक जो है ना सस्टेन करे और फिक्स रहे, मगर हमें कम रडार रखना है बॉल्स का, रन रेट अच्छा मेंटेन रखना है, ये नहीं होना कि 100 बॉलों पे 77 हो, 80 बॉलों पे 48 हो, तेज खेलना पड़ेगा। बाबर ने मारे गुड शॉट यार, अच्छा वैसे एक वेरी गुड शॉट। देखें पाकिस्तान हारे या जीते दोनों सूरतों में मैं अपनी टीम से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, डे वन से जब से मैंने क्रिकेट खेलना सीखी, ठीक है जी, उसके बाद जब बाउंड्री लगती है चेक करें, मेरे ख्याल से दुआ ने आई थिंक देखा था 10 ओवर्स के बाद मैच, अली भाई कितना स्कोर बता रही थी, देखा था कोई मैच जी 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 जी, उनका भी 63 समथिंग, अल्लाह करे फिर ऐसा ही हो भाई, अब हम इसका क्या बात है, अरे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे खेल रहे, खुल के खेला है भाई, बहुत अच्छा भाई, हम बहुत अच्छा भाई, फखर भाई आए आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल को सीधे उठाया और बॉल सीधा बाउंड लाइन से बाहर, इट्स मैसिव फखर भाई, बहुत आला, घूम जाओ बॉल, ऐसे मत करो, अल्लाह की कसम अगर ये थोड़ी सी पिछोती कतरी नहीं लगती ना नीचे वाले हिस्से की तो ये तो फिर बॉल लारिफ चेक करें आप, ये बॉल आई कहां से लो, नहीं कैच था, कैच हो जाता का थोड़ा सा और बल्ले का इनसाइड एज अगर नहीं लगता तो बॉल सीधा विकेटों में था, ये इनर एज, फील्डिंग पे काम होना चाहिए सबसे ज्यादा बस पाकिस्तान की, मैं यार अब मेरे उस पर अगर मैं जाऊंगा तो मैं फील्डिंग करवाऊंगा, फील्डिंग बहुत ज्यादा वो करूंगा, बहुत ज्यादा मैं बनूंगा मोटिवेटर, सही है, मैं उनको मोटिवेट करूंगा और जो प्लानिंग होगी मैं उनका पार्ट बनना चाहूंगा, सही है, क्योंकि देखो नेदरलैंड शॉट ग्राउंड से बाहर, ग्राउंड से बाहर क्या 100 मीटर मार दिया, अबे चील को तो नहीं लग गई, बहुत लंबा मार है भाई, बहुत लंबा है, कैमरामैन नहीं देख पा, दिखा पाया बॉल, चील को लग गए उसने मार, बहुत बड़ा छक्का मारा है यार, चील को लग गए एक आज कैच का आउट, कैमरा फॉलो ही नहीं हुआ, सिक्स फकर जमान ने 6 मारा था और सारे कमेंटेटर यूं हो गए थे, वॉटसन और बकारी, उसमें जो ऑन स्क्रीन आया वो था 94 मीटर का छक्का, 95, अरे बहुत आला, बहुत आला, हम कुछ करते हैं, बारिश बहुत आ रहा, मैंने कह रहा था मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, एक मिनट यार, एक मिनट सारे मिलकर ताली बजाएं जरा, 1 2 3 वाली बात पे क्या बोलोगे, मैच के दौरान लाइव जिस तरह दिखाया था कितने मीटर का शो था, 94 दिखाया था और अभी जो है ना हाईएस्ट सिक्स मतलब लॉन्गेस्ट सिक्सेस में फकर जमान के उसके 6 पे 99 लिखा, तो लोग ये बोल रहे हैं 95 देखा था, 99 कैसे हो गया यार, मुझे वहां पे कैमरामैन से बहुत ज्यादा शिकायत है, वो हमारे स्क्रीन दो शॉट मारे, दो शॉट वो पकड़ ही नहीं पाए, वो तेज गए, गोली गए बुलेट, फखर जमान अच्छा जा रहा है स्पिनर्स पे, हाँ वो ये अनयूजुअल है, बाबर आजम थोड़ा सा, बाबर भाई को असल में थोड़ा प्रेशर भी है ना, क्योंकि टीम उस तरह प्ले नहीं कर पा रही है जैसे ना बाबर चाहते हैं, ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द शिप है तो उस पे बेचारे पे बहुत प्रेशर है यार, नहीं सही है वो फखर को खिलाता रहे, हाँ वो ये कह रहे हैं स्ट्राइक रोटेट कर, हाँ स्ट्राइक रोटेट करना बहुत, वही हम बात जो कर रहे थे पहले मैचेस में, स्ट्राइक रोटेट होती हुई नजर आ रही है, आज बाबर अपना सिंगल डबल कर रहा है, फखर को रूम मिल रहा है, वो मार रहा है जबरदस्त करके, लेकिन अभी हो नहीं रही ना ये चीज, मगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कैप्टन मीना थोड़ा सा अटैक करें 15 में, आप देखो 107 जरूरी है, 107 आ गए, नेक्स्ट 15 में मैं समझता हूँ 110 आ जाएंगे और बाकी T20 खेलेंगे एंड में और हम इंशाल्लाह बना लेंगे, शरद भाई ने पता क्या बोला, देखिए बाबर आजम को ना अभी थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए, ये नहीं बात कर रहा मैं, बोल रहा हूँ कोई ये मैं बात कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए 36 पे 32 है, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा है बोर्ड पे अभी भी अब देखे ना सर, अभी 302 रन चाहिए, 300 रन चाहिए, लारे यार अभी बहुत स्कोर है लारे, मैं आपसे बात पे मैं एक छोटी सी बात ही कहूंगी कि मैं मतलब जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जितना इस टाइम पे फखर मार रहा है अभी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी विकेट भी बचानी है, क्योंकि जब आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है ना
और विकेट गिर जाती है तो फिर नहीं बनते, कभी भी नहीं बनेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, ये मैं अपने पास से नहीं बोला, फवाद आलम की बात। शॉट यार, शॉट भाई साहब, ये मेरा भाई है। ये मैंने आपसे क्या कहा था कि फखर जमान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहा है, चेक करें आप। फखर जमान बाल है यार, बहुत जीतेंगे इंशाल्लाह, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, आमीन। What a shot यार, what a shot, बड़ा दिल करके खेल रहा है, निकल के खेल रहा है, खुल के खेल रहा है। बाबर ने बोला मार भाई, 200 चाहिए तुम्हारे, मुझे तुम्हारे 200 चाहिए, 200 कर दिया, क्या बाबर ने जिम्मेदारी दे दी है, मुझे तुम्हारे 200 चाहिए, बाकी टीम चाहे ना चले। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सर, मजाक किया था। वो कह रहे हैं कि बाबर ने बोला कि तू 200 बना ले, बाकी टीम चले। सर 52 बॉलों बस थी, 66 की नहीं, और जिस तरह चल रहा है ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान की जीत चाहिए, बस ये मैच जीते, 200 चाहिए बस, 200 बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जी। एक और छक्का आ रहा है इंशाल्लाह। स्पून से, स्पून से देखो, रिलैक्स होके खेल रहा है वो। अरे पता, अगर ये लोग इसी तरह से खेलेंगे ना, तो न्यूजीलैंड की टीम पे ऑटोमेटिकली वो प्रेशर बिल्ड होगा, तो जब प्रेशर बिल्ड होता है तो वो खुद ब खुद मिस्टेक्स करेंगे। फिलिप को, फिलिप पे चार्ज कर रहे हैं दूसरे वाले स्पिनर पे, वो की स्पिनर उनका। लेकिन फखर ने सेंटनर को भी मारा है, मारा है, मगर अभी इसको रोका था उसने, वेरी गुड। बोल्ट को भी मारा है, बोल्ट को तो इन्होंने बोल्ट के स्कोर अच्छा खासा कर दिए। तो ये ऐसे ही होता है ना, आप एक बॉलर को कभी भी नहीं खेलते जो अच्छा अच्छी बॉलिंग करा रहा है, आप उसको रोक के रखते हो, आप उसको खेलते हो तो आप आउट हो जाते हो। मैं जब मैच खेलता हूं 3 ओवर कराता हूं, 3 ओवर मेरे वो लोग सब रोक के खेलते हैं प्रेशर। अच्छा, हां इस बात पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आप ऐसा तो पूछे नहीं भाई, आराम से समझदारी की है फखर भाई, आराम से फखर भाई आराम से रिलैक्स करके प्लीज। ये बाबर, अच्छा देखो, ये बार बार बाबर बता रहा है कि क्या, कैसे, क्यों, कब, यू नो, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बाबर से, जो लोग चाहते हैं कि बाबर ये करे, वो आज बाबर कर रहा है। ये खड़े होकर मार रहा है यार, खड़े खड़े सारे शॉट मार रहे हैं, खड़े खड़े। आज अगर हम मैच जीते ना, 401 रन स्कोर जो है हम अचीव करते हैं, तो इंग्लैंड में बहुत प्रेशर होगा। इंग्लैंड को पता होगा भाई, 402 रन बनाकर चेस कर गया, 402 रन बनाकर आ रहे हैं, चेस किया, बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड पे प्रेशर होगा और सबके मुंह भी बंद, और न्यूजीलैंड पे भी, न्यूजीलैंड पे भी प्रेशर होगा श्रीलंका के खिलाफ। हाँ, कि हमने जीतने खा सकते हैं न्यूजीलैंड। अच्छा शहरों पे वैसे ना, इंग्लैंड पूरा टूर्नामेंट थ्रू चोक करा हुआ है बहुत, बहुत ज्यादा यार। लेकिन बात ये ना, चोक होता है, हम ही चोक खोल देते हैं भाई। हो गया छक्का, हो गया उनका की बॉलर वापस आया, साउथी एक्सपीरियंस। सो बात दरअसल ये कि दरिया में रहना और मगर मच से दुश्मनी। किसी को एक पता है फैक्ट, टिम सोदी आएगा उसी का, उसका कोई उसका थंब नहीं है पैर का, या कोई एक फिंगर नहीं है। अच्छा, उसका नहीं है थंब, हम नहीं है ना। अच्छा, ये स्टैंड में जो पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अगर ये कैच पकड़े तो इनको भी इनाम ही मिलेगा। चलो सुबह, आज सुबह आए ना हम सब, इसीलिए माशाल्लाह ये बातें हो रही हैं। उनको डर है कि उनसे भी मिसफील्ड हो जाएगी, कैमरे भी नहीं आ जाए। कैमरे में आ जाएगी, जैसे हारिस रऊफ ने ट्रेनिंग के दौरान कैच छोड़ा था, कहा था यार ये डिलीट कर देना यार। लेकिन ये भी तो एक एट द सेम टाइम ने मारे थे सेमीफाइनल्स में 1999 के वर्ल्ड कप में, 113 रन न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान जीत गया था। रिलेटिवली टुगेदर जो पार्टनरशिप है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम के कैलिबर के, जो हमारा हमारी कंसिस्टेंसी के उसको देख के। मगर अगर हम सोलो पे देखें तो बाबर आजम को थोड़ा सा तेज होना चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल इन अगर बाबर भी तेज खेले, अटैक करे ना, तो फिर न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड कांप जाएगा, कांप जाएगा न्यूजीलैंड। अभी आप ये देखो कितनी जबरदस्त बात है, पहली बॉल पे सऊदी को 6 मारा, फॉरन स्ट्राइक चेंज की, 1 रन, फिर डबल बना, अभी सिचुएशन सही है, बिल्कुल 3 बॉल पे 9 रन आया है, रन रेट सही है। रिक्वायर्ड रन रेट कितने, 8.5 था मेरे ख्याल से। ये बचकाना गलतियां नहीं चाहिए मुझे, जबरदस्त कॉम्बो है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, और इस तरह चलती रहे। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही मैच पूरा करके आए, मुझे अल्लाह ना करे, मैं तो बोला आउट ही ना हो। मेरा सिर्फ आउट ही ना सवाल है कि जब पाकिस्तान अच्छा चेस करने जा रहा होता है, सिर्फ श्रीलंका के अलावा अच्छा जाता है, 200 तक जाते हैं, एकदम कोलैप्स कर जाता है, तो मुझे सिर्फ वो डर है बस। ओह वेल शॉट यार,
अरे भाई आज तो नहीं छोड़ेगा ये शंकर, फखर भाई नहीं छोड़ेंगे आज भाई। 99 बहुत आला यार, बहुत आला, वेरी गुड शॉट यार, वेरी गुड शॉट। फखर को लास्ट दो तीन मैचेस में खिलाना चाहिए था, इसका एक स्टेटमेंट भी आया था कि मैं इतना इंजर्ड नहीं था कि मैं खेल सकता, मैं खेल सकता था, इतना बड़ा सवाल या निशान है। इनिंग्स चेक करो, फॉर्म चेक करो जी। नहीं अब थोड़ा नॉर्मली चलना चाहिए अभी फखर भाई, मैं तो यहाँ पे ये नहीं नहीं शरद ऐसा, तुम शरद भाई की बात नहीं पकड़ी, तुम नॉर्मल वाली बात नहीं, बात सारी ये कि जब उस बंदे ने खुद इटसेल्फ उस खुद ने ओनरशिप ली, खुद सॉरी मैं इधर अभी नहीं, उसने खुद ने बोला कि मैं टीम के लिए अवेलेबल था, मेरी इंजरी इतनी सीवियर नहीं थी, ये बात है, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, मैं खेल सकता था, कितना फर्क होता अगर 100%। और आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच, सेंचुरी फखर भाई, फखर भाई, फखर भाई बहुत आला, 63 बॉलों पे 100, 158 का फखर भाई, लॉट ऑफ लव फखर भाई, सेंचुरी की जरूरत थी, दो सेंचुरी की जरूरत थी हमें, वापस फखर की जरूरत थी हमें, फखर है हमें, फखर है फखर पे, बहुत आला यार फखर भाई के लिए मेरा खूबसूरत प्यार, माशाल्लाह बहुत सारा प्यार फखर भाई के लिए, और फखर भाई बहुत आला, फखर भाई 106 बारिश स्टार्ट हो गई है, आराम से विकेट नहीं देनी, अरे ये देखो अब इन्होंने शुरू कर दिए चलाकी, वहां फील्डर लिया हुआ पीछे, फखर जमान बस उन्होंने चलाकी शुरू कर दी, अब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पाकों की बारिश हो रही है, बारिश हो गई, बारिश हो गई, अरे हो रही है, वाकई हो रही है, बारिश हो गई भाई, नजर आ रही है। रियल मेथड का आया कोई अभी तक क्या? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं, अभी मैच रोक क्यों नहीं रहे लोग, बैट गिल हो जाएंगे उनके यार, चलो बारिश थोड़ा तेज है, रोक क्यों नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर लग रहा है शहरोज भाई, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, अब देखिए बारिश हो गई, बारिश होना शुरू हो गई है, अब आपकी ग्रास खत्म, लो मैच रोक दिया, मैच स्किप कर दिया, रोक दिया मैच, पाकिस्तान ऊपर है ना, पाकिस्तान 160 आई गेस उन्होंने 22 ओवर्स में 150 किए थे, जो मुझे मैं देखता हूं ना अभी, तो पाकिस्तान जीत जाए, जल्दी चेक करो ला रहे फॉरवर्ड, 22 ओवर्स में 150 किए, आप तो बोल रहे थे कि वो टेक्नोलॉजी है, वो मशीन ले आएंगे, ये तो वही प्लास्टिक ला रहे हैं सर, अभी तो बारिश हो रही है ना, अच्छा अच्छा, ये लॉर्ड थोड़ी है, मैंने पढ़ा था सर, मैंने अभी आज पढ़ा था, बहुत आला भाई, बाबर भाई, फखर भाई, फखर भाई, बाबर बहुत आला यार, बहुत आला, चलें बस दुआ, क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे बॉयज अब थोड़ा जाके बैठ के रिलैक्स करेंगे, प्लानिंग का टाइम, उन्होंने काम कर दिया, अब हमारा काम शुरू होने लगा, ये आ गया ना, ये आ गया, एक मिनट यार, डीएसएलआर पार आफ्टर स्कोर 21 150 पाकिस्तान आर 10 रन अहेड ऑफ द पार स्कोर, शुक्र है पाकिस्तान जीत जा गया, माशाल्लाह, यस यस, यानी आज का मैच इंशाल्लाह, अगर पूरे रात फिर तो पूरे दिन बारिश होती रहे, लेकिन अगर ऐसे वाली बात बैक करूं, ऐसे बोलते हैं कि हम खेल के मारे पूरा, हां लेकिन देखने वाली ये बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी इस सिचुएशन से जीतता है इस मेथड से, तो पाकिस्तान कहाँ आएगा, रन रेट पे फर्क तो नहीं पड़ेगा, फिर वही होगा, न्यूजीलैंड को सिर्फ मैच हारना है, पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना है, मैच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 41 ओवर्स, अपडेट है कि दो सिर्फ बॉलर्स जो हैं वो 8 ओवर्स करवा सकते हैं और एक बॉलर 9 ओवर कराएगा, मगर 342 का टारगेट हो गया और 41 ओवर का मैच हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा, ला रहे होगा, अब मुझे टेंशन इस बात की है कि घास आपकी गीली होगी, घास एक तो आप गीला सूखा बहुत, बॉल की मूवमेंट अभी देखी है, जी जी आपने जी। वो देखा था एशिया कप में हुआ था ना, दूसरे मैच में इंडिया और पाकिस्तान का जो जी, मैच जी, था जी, जी। जब बारिश होगी इंडिया की बॉलिंग आई तो घूम रहा और वो कितना अच्छा, बड़ा स्विंग, अच्छा ऐसा आप मुझे बताएं, वैसे एक जनरल बात है, गिर पड़ रहे हैं भाई, बारिश हुई है, पिच आपकी गीली है, तो यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज किसको जाता है, बैटर को जाएगा बॉलर को जाएगा, अभी देखो अगर अगर बोलते ना अगर नमी होती सवाल है, सवाल पूरा तो होने दो मेरा, अच्छा भाई जी जी हसन भाई, मुझे ऐसा लगता है अभी जो पहला बॉल गया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई फर्क नहीं आता, ठीक है क्योंकि पहली बॉल से ही पता लग जाता, लेकिन अभी पहला ओवर देखना पड़ेगा फिर ही पता लगेगा, क्योंकि हर दफा कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, ठीक है देखते हैं ये जी ला रहे, नहीं देखो अगर ज्यादा बारिश होती ना, दो सिनेरियोस, अगर बारिश कम हो रही है, ड्रिजल हुई है हल्की, तो ग्रास का आउटफील्ड तेज हो, ज्यादा बारिश का अगर नुकसान होता तो पिच डैम्प हो जाती है, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप लॉफ्टेड शॉट मारते हो ये फिर बेवकूफी शुरू कर दिया, ये देखो वो डरा रहे हैं उनको, आपका ड्राइव गया जी, ये ग्रास आपका बॉल पढ़ के तेज निकलता है, अगर आप लॉफ्टेड शॉट खेलो और पिच डैम्प मतलब ग्रास डैम्प है, वो तो बॉल पढ़ के ठक वजन पूरा उस पर आता है और वो ओके एकदम रिफ्लेक्ट नहीं करता बॉल के बाहर निकले, तेज निकले, थोड़ा स्लो था, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू ब्रो, आप ईए स्पोर्ट्स टू द गेम, आप कोच थे नहीं गेम्स बहुत खेले, ओके एक और बॉल बॉल स्पीड 160 पे एक आउट, डॉट बॉल्स
और ये चौका। गुड बॉल यार, वेरी वेल बॉल। दो आप चेक करें हर बॉल, वाह यू स्टॉप। ऐसा लग रहा है कि फखर जो था ना रेडी नहीं था यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम उसे सरप्राइज दिया। चौका, बहुत सारी बॉल, गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। बस ये आता रहा, सिंगल डबल चौका, सिंगल डबल छक्का चौका। तो जी दुआ, तो क्या कभी आपने लाइक किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया या अपने अपने लाइक तालीमी इदारे के अंदर आपने फुटबॉल खेली या क्रिकेट वगैरह खेली? I was a part of a throw ball team। जो ऐसा करके खेलते हैं, इस तरह करके यूं लाइक थ्रो करते हैं। ओके ओके ओके, थ्रो बॉल जो होती है, या वो खेली है। क्रिकेट भी खेली है, पर क्रिकेट उस तरह से हमारे स्कूल में थी नहीं। हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, थ्रो बॉल थी, तो आई वॉज देयर इन थ्रो बॉल टीम और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा शौक रहा है। वॉज वेरी गुड, यू नो मेरा फेवरेट था स्पोर्ट्स, मेरा पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान होता था। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है इफ्तिखार को आना चाहिए ऊपर। क्या कहते हैं शिरोज भाई, आफ्टर रिजवान? नहीं, मैं अभी रिजवान इफ्तिखार का सोच नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी सिर्फ इन दोनों का ही सोच रही हूं। आई रियली वांटेड देम टू प्ले, मेक देम विन। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज ओके, बस नहीं, ये सही है भाई, इनके साथ कंफर्टेबल है हम अभी फिलहाल। अभी जो टीम कोलैप्स हो जाती है, आपको कुछ नहीं पता, दिल खोल के खेल रहे हैं, इसी तरह खेलते रहे। गुड शॉट यार, मिस फील्ड करवा दी, इतना देर शॉट था, मिस फील्ड करवा दी। खतरनाक शॉट मारी है, क्यों पूछे? पर फिर भी दो दफा ऐसे आउट हुआ, दो दफा सर्कल में। लेकिन आज, लेकिन पावर हिटिंग, पावर हिटिंग ऐसे ही आउट हुआ था। लेकिन आज इसने ऐसी शॉट पे छक्का भी मारा है। फखर ध्यान से, एक छक्का आ गया, एक बाउंड्री और चाहिए। और यार इफ्तिखार भी फखर के लगी है। हसन भाई जो आपने सवाल किया था ना, तो आई थिंक हमें ये चांस लेना चाहिए। यार कितना बड़ा है, आज 105 चाहिए, 105, 104। आज वेपन है, आज बैट नहीं है इफ्तिखार के, वो उसके हाथ में, क्या कहते हैं, फखर जमान के हाथ में आज बैट नहीं है, आज वेपन निकल रही है भाई उसके बैट। आज वेपन है भाई, वेपन है, कुछ हो रही, देखो आज फखर जमान के हाथ में वेपन है, वेपन। बहुत स्कोर चाहिए, बहुत स्कोर चाहिए, बन जाएगा इंशाल्लाह। नहीं पर यार, आई होप सो, जिस तरह से लोग खेल रहे हैं, लोग एक्चुअली दिल खुश कर रहे हैं यार। आप लोग जो है खुशी हो रही है, जान तो मार रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे एक हैशटैग बनाएं और अभी बनाएं, लिखें फखर जमान बैकबोन, हैशटैग फखर जमान बैकबोन, क्योंकि फखर जमान इस वक्त रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए। तो ये लाजमी आप लोग हैशटैग बनाएं और टैग करना शुरू कर दें फखर जमान को। हैशटैग वर्ल्ड कप हाईलाइट। अरे फखर जमान ने चौके छक्कों की बारिश कर दी है, खूब बॉर्डर लाइन को सैर कराते हुए फखर जमान, और शानदार बैटिंग फखर जमान की जानिब से। फखर जमान जा रहे हैं अंदाज से बैटिंग करते हुए। इस वक्त रंगो नूर की बारिश मैदान के अंदर, तमाम रंगो नूर की बारिश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रंगो नूर की बारिश। और मुझे एक फील आ रही है कि काश मैं इस वक्त मैदान के अंदर होता, लोग मुझे सुन रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक दोनों बल्लेबाजों की शानदार 99 है। यस, और आई थिंक इस वक्त you know I can't believe it, कितने खुश हो रहे हैं। 200 रन हो गए पाकिस्तान के, मुबारक हो यार, क्लैपिंग। बड़े वो इस टाइम एक्साइटेड हैं वो लोग भी, मतलब बहुत ज्यादा कह लें कि जोशीले हुए हैं। ये देखें सब खुश हैं, माशाल्लाह सब खुश हैं, कितना टेंशन में भी है, जीत रहा था। हां बहुत टेंशन तो होती है ना यार। सही है, ऐसा लगा कि वो कट किया था उसने, अच्छा कट किया था, कट तो अच्छा किया था, लेकिन बाबर ऐसे ही कट पे अक्सर नहीं, कोई मसला नहीं, ट्राई ले रहा है वो गैप शॉट पे। ट्राई बेशक ले, पर रिस्की शॉट ना ले, फ्रस्ट्रेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन, आराम से आराम से आराम से। ये क्या हुआ, मैच रुक गया? अच्छा, मैंने कहा बाबर के कैच या रन आउट तो नहीं हो गया, मैच क्यों रुका? बारिश। अच्छा, पाकिस्तान ने 25 ओवर्स में 200 कर लिए, पहली दफा ऐसा कुछ हो रहा है ना ओडीआई में। ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया है 287 का ऑल आउट, 286 ऑल आउट है। इंग्लैंड के 10 ओवर्स में 38 पे दो आउट है। अलार्मिंग बात है, वेरी गुड वेरी गुड। इमरान और बेन स्टोक्स खेले हैं।
भाई ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग गुड। अच्छा पता है ऑस्ट्रेलिया हमारे बाद से जब से वार्नर को एक अच्छा स्टार्ट मिलना शुरू हुआ ना उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया यू नो इससे पहले कोई टीम मौका अच्छा मेरे मेरे मेरा मेरे मानने में ऐसा है ठीक है आपकी बात थी कि गलतियां ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड टीम। ऑस्ट्रेलिया का कमबैक किसी भी पॉइंट पे था यू नो आप अब इंग्लैंड इट्स वेरी लेट फॉर इंग्लैंड लेकिन इंग्लैंड भी वो टीम है अगर दो मैचेस वो हारी है तो वो तीसरे में कमबैक किसी भी टाइम पे कर सकता है। पाकिस्तान मैच जीत गया है 21 रन से अभी पाकिस्तान मैच जीत गया 21 रन से। अनाउंसमेंट नहीं हुई मैं ट्वीट पे ये ट्विटर पे भरा पड़ा हुआ ये होना शुरू हो गया मेरे ख्याल में नहीं हुई। अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हुई 7:00 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7:10 पे मैच खत्म होना था बट जो एज पर ट्विटर जो मैं ट्विटर देख रहा हूँ फॉलो करूँ काफी देर से यहाँ पे चला कि पाकिस्तान मैच जीत गया बट अगर नहीं भी जीता तो पाकिस्तान अगर ऑफिशियल नहीं भी है तो 7:10 पे पाकिस्तान मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह और अगर 7:10 पे भी पाकिस्तान मैच नहीं जीता तो पाकिस्तान ग्राउंड में अगर बारिश खत्म होती है तो मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मतलब ये हर जगह यही सर्कुलेट हो रहा है कि पाकिस्तान जीत गया लेकिन अभी तक हाँ क्या बात है आईसी में तो आप शेर हैं। तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई हमारी तरफ से ना वो वाले आईसीसी की तरफ से ना हमारे आईसीसी दो चल रहे यहाँ पे हेड कौन है आईसीसी का अलीम भाई अलीम भाई फराज आप फराज मैं चाहता हूँ जीत का मोमेंट आप इधर साथ लेके क्या हुआ? उम्मीद है अभी हमें लग रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा बस 10 मिनट हैं इसी 10 मिनट में फैसला होगा या यूं होगा या यूं होगा लेकिन नहीं अब मैं एक ऑनेस्ट बात बोलूं हाँ 10 मिनट तो तुम बोलो पाकिस्तान अब प्रोबेबली जीत ही गया बिकॉज़ प्लेइंग वेल ही दे प्लेड वेल रियली वेल आज तो डिजर्व कर पाकिस्तान जीत गया अनाउंसमेंट हो गया बैठ के सेलिब्रेट करेंगे हम लोग बैठ के वाह बैठ के वाह 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 मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या बात है यार कोई न्यूज व्यूज लगा दो ताकि और ऑथेंटिक हो जाए यार प्लीज जल्दी वाह 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 चलो चेंज कर दो शाबा वी वन द मैच वी वन द मैच ये देखिए सरोज भाई ये देखिए जाहिर भाई रोंगटे खड़े हो रहे ये देखे ये मैं झूठ नहीं बोल रहा ये देखे रोंगटे खड़े दिखा सकते हैं यार वाकई यार गूज़बम्प्स यार गूज़बम्प्स यार पाकिस्तान जीत गया बल्ले बल्ले पाकिस्तान वन द मैच वी वन द मैच जिंदाबाद ये समान जिंदाबाद बाबर आजम जिंदाबाद क्या मैच था क्या मैच था जी आगे न्यूज आ गया इसी में भी जबरदस्त मैच जीत गया कहते ना कहते हैं कि आप मेहनत करो साथ अल्लाह देगा बिल्कुल ट्रॉफी लेके आएंगे आज की ताजा तरीन खबर यह है कि DLS मेथड के तहत 21 रन से पाकिस्तान ये मैच जीत गया है वाह 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 इन्हें दुआ करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड से भी जीते और सेमीफाइनल में जाए तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।